Hello children, this is first tutorial of HTML, that is hypertext markup language. Okay, so what is hypertext here? Hypertext means the text which contains hyperlink, ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर हाइपरलिंक्स होते हैं. हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? कनेक्शन के लिए होते हैं. ओके, एक एक वेब पेज को जब आप दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करते हो, किसकी हेल्प से करते हो? हाइपरलिंक की हेल्प से करते हो. तो ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर क्या है? हाइपरलिंक्स है. ओके, दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप मीन्स टैग्स. इस लैंग्वेज में आप क्या यूज करते हो? टैग्स. ओके, तो इसको इसलिए क्या, इसलिए इसका नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. वो लैंग्वेज जिसके अंदर हम हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं, हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट का यूज किया जाता है. फाइन, सो इट इज द बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब. तो HTML का जो बेसिक यूज है वो क्या है? वो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए होता है. ओके, जितना आप देखते हो वेबसाइट्स, वेबसाइट्स में क्या होते हैं? वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेब पेजेस, राइट? ओके, तो वहां पे किस लैंग्वेज का आप यूज करते हो? HTML लैंग्वेज का यूज करते हो, जहां पे हमारे को क्या होता है? स्टैटिक वेबसाइट्स होती है, सिंपली इंफॉर्मेशन आ रही है. ओके, आपको कोई इंटरेक्शन नहीं करता करना. ओके, तो वहां पे क्या HTML पेजेस का यूज किया जा सकता है? ओके, HTML was developed in November 1990 by Tim Berners-Lee. Okay, तो यहाँ पे HTML को किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1990 में. HTML is a subset of SGML, Standard Generalized Markup Language. HTML क्या है? एक पार्ट है. सबसेट क्या होता है? पार्ट. ओके, एक पार्ट है एक बड़े से ग्रुप का, ठीक है, जो क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर डेवलपिंग वेब पेजेस. ये HTML क्या है? एक स्टैंडर्ड है. ओके, फॉर डेवलपिंग वेब पेजेस, वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए जो हमारा एक स्टैंडर्ड है. जैसे CBSE है, CBSE क्या एक स्टैंडर्ड है? तो CBSE के स्कूल्स क्या हो गए? उसके सबसेट हो गए. फाइन, ऐसे ही HTML क्या है? HTML का सबसेट है, उसका पार्ट है. ओके, HTML इज कॉल्ड अ मार्कअप लैंग्वेज एज इट कंटेन्स डिफरेंट मार्कअप्स टू स्पेसिफाई डिफरेंट कमांड्स. ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिफरेंट मार्कअप्स का मतलब डिफरेंट टेक्स्ट का यूज करता है डिफरेंट कमांड्स के लिए. फाइन, दीज मार्कअप्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेक्स्ट. ओके, HTML is not a case sensitive language. HTML case sensitive language नहीं है. It can be written either in the lower case letters or in the upper case letters. आप lower case letters में भी लिख सकते हो commands को, आप upper case letter में भी लिख सकते हो, और आप mix combination of both भी कर सकते हो. Fine. The HTML document is saved with the file extension .htm or .html. So this is the extension of HTML file. आप उसको सेव कर सकते हैं .html से भी या .htm से भी. Fine. The HTML document is written in text editors like Notepad or WordPad. तो यहाँ पे HTML की कमांड्स लिखने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर्स चाहिए होता है, जैसे Notepad हुआ आपका, TextPad हुआ, WordPad हुआ. वहां पे आप HTML की कमांड्स क्या करोगे? आप टाइप करोगे. ओके, एंड इट कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर्स. और आप जो फाइल बनाते हो, ओके, उसको किसकी हेल्प से आप व्यू करोगे? किसकी हेल्प से आप देखोगे? वेब ब्राउजर्स की हेल्प से देखोगे, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा, एक्सेट्रा, राइट? तो यहाँ पे सिंपली मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे. ओके, नाउ वी हैव टर्म्स रिलेटेड टू HTML. HTML में किस किस टर्म का यूज किया जाता है? फर्स्ट वी हैव टैग. इट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ओके, HTML लैंग्वेज की, वो टैग ही है. इट इज अ कीवर्ड टू स्पेसिफाई सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट. तो ये क्या है? टैग क्या होता है? कीवर्ड्स हैं जो स्पेसिफाई करते हैं किस तरह की आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो अपने वेब पेज पर. ओके, एंड हाउ यू विल डिस्प्ले योर कंटेंट, और आपका जो कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले हो, किस फॉर्म में आए. ओके, अ टैग इज रिटन विद इन एंगल ब्रैकेट्स. और टैग्स, टैग्स को हम किसके अंदर लिखते हैं? एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. ठीक है, आप टैग्स को किसके अंदर लिखोगे? एंगल ब्रैकेट्स के अंदर. ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, टाइटल टैग, HTML टैग, बॉडी टैग. फाइन, देन वी हैव एलिमेंट. एलिमेंट रिप्रेजेंट्स वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट. एलिमेंट क्या है? कंप्लीट कंपोनेंट है. ओके, वो किस किस से मिलके बनता है? एन एलिमेंट हैज थ्री पार्ट्स, स्टार्ट टैग, स्टार्टिंग का टैग, एंड टैग. ओके, एंड द कंटेंट बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग,
राइट right? तो एलिमेंट क्या है, कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट है जो किस 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 पार्ट से बनता है, स्टार्टिंग टैग ओके, देन योर एंडिंग टैग एंड द कंटेंट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग टैग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, टाइटल हमने दिया है टाइटल टैग, टाइटल दिया है माय फर्स्ट वेब पेज और टाइटल को क्लोज कर दिया, तो ये जो कंप्लीट जो बन गया है वो क्या बन गया है, एलिमेंट हो गया, दिस इज कंप्लीट एलिमेंट। फाइन ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट इज अ स्पेशल वर्ड यूज्ड इनसाइड टैग टू स्पेसिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन टू टैग सच एज कलर, अलाइनमेंट एसेट्रा। तो एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम टैग के अंदर यूज करते हैं, इसलिए टैग को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, एक एक्स्ट्रा एक एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया बॉडी बीजी कलर, तो बॉडी टैग के अंदर आपने बॉडी जो वेब पेज की बॉडी आएगी उसके लिए आपने एक कलर एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दिया रेड, की जो वेब पेज आएगा वो रेड कलर में आए। फाइन ओके, हियर बीजी कलर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। समझ आया, एट्रीब्यूट क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जो मेन टैग को कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। फाइन, तो जो एचटीएमएल में इंपॉर्टेंट तीन टर्म्स है वो क्या है, टैग, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, कंप्लीट जो टैग का स्टार्टिंग एंडिंग और इन बिटवीन डेटा होता है वो, ठीक है। एंड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है, जो टैग के साथ आप वर्ड्स यूज करते हो टैग को एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए। ओके, देन वी हैव टाइप्स ऑफ टैग्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स इन एचटीएमएल, कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स। ओके, कंटेनर टैग्स नीड बोथ एन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग। कंटेनर टैग्स कौन से होते हैं, जिनके बीच में कुछ ना कुछ डेटा कंटेन होता है, कुछ ना कुछ डेटा वो रखते हैं अपने बीच में, अपने स्टार्टिंग टैग में एंड क्लोजिंग टैग में। तो यहाँ पे दो टैग चाहिए होता है, एक ओपनिंग टैग एंड एक क्लोजिंग टैग। फाइन, दीज टेल द ब्राउजर व्हेन टू बिगिन अ कमांड एंड व्हेन टू एंड इट। तो ये क्या बताता है, कब कमांड बिगिन होगी और कब कमांड एंड होगी। ओके, मोस्ट टैग्स कंप्राइज ऑफ कंटेनर टैग्स, और जो एचटीएमएल के टैग्स हैं उनमें 90% टैग्स कंटेनर टैग्स हैं। फाइन, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये हमने एचटीएमएल टैग स्टार्टिंग एंड देन एचटीएमएल टैग की एंडिंग, देन बॉडी टैग स्टार्टिंग बॉडी टैग की एंडिंग, लाइक फॉन्ट टैग स्टार्टिंग एंडिंग, तो ये सारे क्या है, कंटेनर टैग्स है, और जो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में क्या होता है, कंटेंट होता है। फाइन ओके, नेक्स्ट टाइप इज एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट द ओपनिंग टैग्स। एम्प्टी टैग होते हैं सिर्फ ओपनिंग टैग्स होते हैं, इसमें एंडिंग टैग्स की जरूरत नहीं होती। इन दीज द क्लोजिंग टैग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, क्लोजिंग टैग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक हॉरिजॉन्टल रूल एचआर टैग। तो आप एचआर यूज करोगे, सिंपली यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रूल आ जाएगी। ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन बीआर यूज करोगे तो आपका टैग्स जो आपका जो कंट्रोल है आप वो बीआर किस लिए यूज होता है, द कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट लाइन, राइट, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। फाइन, अब यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे एचटीएमएल एलिमेंट्स और एचटीएमएल टैग्स। फर्स्ट हमारे पास जो मेन टैग होता है वो एचटीएमएल टैग होता है। फाइन, इट इज द फर्स्ट टैग इन एवरी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट व्हिच टेल्स द ब्राउजर दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन क्रिएटेड एंड फॉर्मेटेड यूजिंग एचटीएमएल। जब आप एचटीएमएल फाइल बनाओगे तो आप सबसे पहले टैग यूज करोगे वो होता है एचटीएमएल टैग, और वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो ब्राउजर को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाया गया है और फॉर्मेट किया गया किसकी हेल्प से, एचटीएमएल लैंग्वेज की हेल्प से। फाइन, द एचटीएमएल टैग इज अ कंटेनर टैग सिंस इट हैज बोथ स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग। एचटीएमएल क्या होता है, कंटेनर टैग है जिसकी स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है। फाइन, द एचटीएमएल टैग कंटेन्स द हेड एंड बॉडी टैग्स। एचटीएमएल टैग के अंदर क्या आता है, हेड टैग। हेड टैग के अंदर आप टाइटल देते हो, टाइटल ऑफ द वेब पेज, एंड बॉडी, बॉडी में क्या आता है, वेब पेज का कंटेंट आता है। ओके, व्हिच इन टर्न कंटेन्स द नंबर ऑफ अदर टैग्स, और हेड और बॉडी के अंदर बहुत सारे दूसरे टैग्स का यूज किया जाता है। तो जो सबसे पहला टैग यूज होता है वो एचटीएमएल टैग यूज होता है, और जितना भी कंटेंट आप एक एचटीएमएल फाइल में बनाते हो ओके, वो किसके अंडर आता है, एचटीएमएल स्टार्टिंग टैग एंड द एचटीएमएल क्लोजिंग टैग, राइट।
देन वी हैव हेड टैग. ओके, द हेड टैग इज द कंटेनर टैग दैट स्पेसिफाइज द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज. हेड टैग का यूज किया जाता है वेब पेज की हेडर इंफॉर्मेशन, मतलब जो उसके हेडर पे आ रही है इंफॉर्मेशन, टाइटल बार पे जो इंफॉर्मेशन आती आती है उसके लिए. इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइटल ऑफ द वेब पेज. तो हेड टैग के अंदर क्या आता है, टाइटल हम वेब पेज का देते हैं. फाइन, द टाइटल टैग, द टाइटल टैग स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ द वेब पेज. टाइटल टैग, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आ रहा है. अभी आपको शायद समझ ना आ रहा हो क्योंकि मैं ये आपको थियोरेटिकली सारा समझा रही हूँ, मैं इसको भी प्रैक्टिकली समझाऊंगी, फिर भी थोड़ी सी डेफिनेशन बता रही हूँ. ठीक है, द टाइटल टैग स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ द वेब पेज. टाइटल टैग क्या करता है, स्पेसिफाइज. सबसे पहले आपका आएगा HTML टैग, सबसे पहले आप HTML टैग लगाओगे. ठीक है, HTML, फाइन. उसके बाद HTML के बाद आप उसके अंदर चलो मैं इसको प्रैक्टिकली ही करके दिखाती हूँ. ओके फाइन, लेट अस स्टार्ट विद दिस. ओके, तो हमने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है. फाइन, तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे HTML टैग. जो आपका सबसे पहला टैग यूज होता है HTML टैग. HTML टैग के अंदर आप यूज करोगे हेड टैग, राइट. हेड टैग में आप क्या देते हो, हेडर इंफॉर्मेशन देते हो. फाइन, और हेड टैग के अंदर क्या आता है आपका, टाइटल टैग. फाइन, टाइटल टैग के अंदर आप दोगे अपना वेब पेज का टाइटल. जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया माय फर्स्ट HTML ट्यूटोरियल. फाइन, अब आप टाइटल टैग को क्लोज कर दोगे. फाइन, क्योंकि ये क्या है, कंटेनर टैग है. और फिर हेड टैग को क्लोज कर दोगे. फाइन, तो ये क्या हुआ, आपका जो वेब पेज की हेडलाइन आएगी, मतलब वेब पेज का जो टाइटल आएगा वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है. ओके, अब हम वेब पेज की बॉडी स्टार्ट करेंगे. ओके, अब आपकी वेब पेज की बॉडी आएगी. तो क्या होता है, बॉडी टैग इज द कंटेनर टैग दैट स्पेसिफाइज द एक्चुअल बॉडी ऑफ द वेब पेज. तो बॉडी टैग के अंदर जो भी आप स्पेसिफाई करोगे वो क्या होगा, एक वेब पेज की एक्चुअल बॉडी होगी. ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज आर स्पेसिफाइड विद इन द बॉडी टैग. जितने भी वेब पेज के एलिमेंट्स होते हैं वो आप किसके अंडर देते हो, बॉडी टैग के अंडर देते हो. फाइन, तो यहाँ पे हमारा बॉडी टैग आ गया. अगर मैं बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बनाऊं, बिल्कुल ही सिंपल प्रोग्राम, तो मैंने यहाँ पे किया दिस इज माय. आप किसी भी उसमें कैपिटल लेटर या आप किसी भी लेटर में, लोअर लेटर में आप इसको, इसकी कमांड्स लिख सकते हो. फाइन, दिस इज माई फर्स्ट HTML ट्यूटोरियल. ओके फाइन, मैंने इसको बॉडी को क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया. फाइन, उसके बाद आपने क्लोज कर दिया HTML. तो अभी हमने बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने टाइटल दिया है और बॉडी के अंदर एक छोटा सा सेंटेंस दिया है, दिस इज माय फर्स्ट HTML ट्यूटोरियल. ओके, अब इसको सेव कैसे करेंगे, फाइल पे जाओ या फिर आप कंट्रोल एस से भी कर सकते हो. सेव एस, सेव एस में यहाँ पे आप नेम दे दोगे, कोई भी नेम दे दो आपने, जैसे आपने दे दिया फर्स्ट ट्यूटोरियल. फाइन, डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर लिया. अब यहाँ पे डॉट, फाइल का नेम डॉट HTML, ये नहीं आपको भूलना है कि फाइल का नेम आपको जरूर देना है. कुछ भी आप नेम दो उसके साथ आपको उसकी एक्सटेंशन जरूर देनी है. ओके, यू हैव टू गिव द एक्सटेंशन फर्स्ट ट्यूटोरियल डॉट HTML. फाइन, इसको मैंने कर दिया सेव. तो ये मेरा सेव हो गया. ओके, अब हम देखेंगे इसको डेस्कटॉप पे अपने. ये आ गई आपकी फाइल. फाइन, राइट क्लिक करो उस पे एंड ओपन विद, जो भी आपके पास ब्राउजर है आप उसके उसपे उसको ओपन कर लो. ओके, नाउ आप देख सकते हो आपका जो जो आपका इसकी हेडिंग आई है वो क्या आई है, माय फर्स्ट HTML ट्यूटोरियल. Look at this, and this is your web page. Web page में सिर्फ अभी आपने क्या दिया, this is my first HTML tutorial. Okay, ये आपका web page आ गया. Fine. अब हम फिर से चलते हैं अपनी file के पास. अभी हमने बहुत simple किया,
ओके अब इसमें हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे. ओके तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट. बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड की हेल्प से आप कोई भी पिक्चर वेब पेज के बैकग्राउंड में लगा सकते हो. फाइन, मान लो एक छोटी सी पिक्चर है तो क्या होगी, वो पिक्चर्स की कॉपीज बन जाएगी, वो कंप्लीट वेब पेज को कवर कर लेगी. तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड देना है. फाइन, तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो. पिक्चर पिक्चर का आपको सबसे पहले यूआरएल यहाँ पे देना पड़ेगा, बैकग्राउंड में यूआरएल आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. राइट, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. मैं यहाँ से ले लेती हूँ. ओके तो ये मैंने, ये एक पिक्चर मुझे मिली है, तो इसको, इसका क्या चाहिए मुझे, यूआरएल चाहिए. तो इसको भी आप क्या करोगे, ओपन विद ब्राउजर में आप उसको ओपन कर लो, किसी भी ब्राउजर में. जैसे मैंने इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर लिया. फाइन, ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है. और इसका हम, इसके एड्रेस बार से आपको क्या मिल जाएगा, इसका एड्रेस. तो यहाँ से इसका आप एड्रेस कॉपी कर लो. एड्रेस कॉपी हो गया. सिंपली आप अपने डॉक्यूमेंट में जाके इसको कॉपी पेस्ट कर दो. ओके, और जब भी आप कोई भी चीज ऐड कर रहे हो तो कंट्रोल एस करते जाओ, मतलब वो अब सेव हो गई है फाइल. अब ये सेव हो गई है, अब आप अपनी फाइल पे जाओ, अपनी फाइल पे जाके आप रिफ्रेश कर दो. फाइन, ओके. देखो रिफ्रेश करने से क्या हुआ, जो आपने पिक्चर ली थी वो एज अ बैकग्राउंड आ गई है. फाइन, जो आपने अभी पिक्चर को यूज, पिक्चर का यूआरएल दिया था वो एज अ बैकग्राउंड आपकी यहाँ पे आ गई. ओके, अगेन नाउ हम अपनी फाइल में चलते हैं. अब क्या करना है, मुझे पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे सिंपली बैकग्राउंड में कलर चाहिए. तो आप इसको हटा दो बैकग्राउंड को, और आप दूसरा एट्रीब्यूट यूज करो बॉडी टैग का, बीजी कलर. और ध्यान रखना है कलर की स्पेलिंग क्या है, COLOR. ओके, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कलर, ग्रीन दे देते हैं. चलो लेट, यहाँ पे मैंने दे दिया कलर ग्रीन, बॉडी बीजी कलर. कंट्रोल एस सेव कर दिया. सॉरी, फाइन. अब आप जाओ अपनी फाइल पर और उसको कर दो रिफ्रेश. फाइन, अब देखो यहाँ से बैकग्राउंड चला गया है, पिक्चर्स चली गई है, और बैकग्राउंड कलर आ गया, बीजी कलर आ गया. ओके, अगेन आपने बीजी कलर दे दिया. अब मुझे क्या करना है, मेरे टेक्स्ट को भी कलर देना है. टेक्स्ट को कलर देना है, तो मैंने टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज किया, बॉडी टैग के टेक्स्ट एट्रीब्यूट का मैंने दे दिया टेक्स्ट को कलर ब्लू. ब्लू, राइट, सेव करो. ओके, अपनी फाइल पे जाओ, इसको रिफ्रेश करो. आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, अब इस टेक्स्ट का कलर क्या हो गया है, ब्लू. फाइन, नेक्स्ट अपनी फाइल में जाओ. नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देंगे टॉप मार्जिन. फाइन, टॉप मार्जिन क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द टॉप मार्जिन ऑफ अ वेब पेज, दैट इज द मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेब पेज. ये क्या है, आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि जो आपका टेक्स्ट आप स्टार्ट कर रहे हो उस, वो टॉप से कितने मार्जिन पे है, मतलब कितना उसके और उसके बीच में गैप हो. राइट, तो यहाँ ये आप स्पेसिफाई करते हो नंबर ऑफ पिक्सल्स में. तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 100 पिक्सल्स दे देती हूँ. ओके, और क्या होता है, 72 पिक्सल्स आर इक्वल टू 1 इंच. ओके, 72 पिक्सल किसके इक्वल होते हैं, 1 इंच के इक्वल होते हैं. तो मैंने टॉप से मार्जिन दे दिया 100 पिक्सल का. और नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे लेफ्ट मार्जिन. पहले टॉप मार्जिन ही यूज करके देखते हैं, एक एक करके दिखाती हूँ ना आपको, कंट्रोल एस. ठीक है, फाइन. अब यहाँ पे जाओ और टॉप मार्जिन इसको रिफ्रेश करो. देखो टॉप मार्जिन यहाँ पे आ गया, मार्जिन आ गया है 100 पिक्सल्स का. फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का लेफ्ट मार्जिन. लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू, मैंने लेफ्ट मार्जिन दे दिया, मतलब लेफ्ट से कितना गैप हो, बॉडी जो आपका गैप होना चाहिए वो 200 पिक्सल्स का होना चाहिए. राइट, लेफ्ट में कितना मार्जिन होना चाहिए, 200 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पे दे दिया है. फाइन, तो इसको हमने सेव कर लिया. जो भी आप करते जा रहे हो उसको सेव करते जाओ. ठीक है, अब देखो रिफ्रेश करो अपने उसको. अब यहाँ से लेफ्ट से भी मार्जिन मिल गया. फाइन, ओके. अब हमारे पास क्या है, बॉडी टैग के हमने एट्रीब्यूट किए बैकग्राउंड,
वीजी कलर, टेक्स्ट, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। अब हमारे पास है लिंक। ओके, लिंक क्या होता है? जो आप हाइपर लिंक क्रिएट करते हो अपने वेब पेज पे, तो हम बॉडी टैग में आप उसका कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। लिंक का कलर रेड हो। वी लिंक, वी लिंक मतलब जो लिंक आप एक बार क्लिक कर चुके हो, एक बार जिसको विजिट कर चुके हो। इसको हम ऐसा करते हैं, एंटर करके नीचे ले लेते हैं। ओके, वी लिंक, वी लिंक में है आपका कलर, आप जो आप विजिट कर चुके हो उसको आप कर दो येलो, येलो, एंड देन आपका ए लिंक। ए लिंक में मैंने दे दिया कलर पिंक। फाइन, तो जो वेब पेज पे हाइपरलिंक्स होते हैं उसके कलर यहाँ पे स्पेसिफाई किया। अगर लिंक है जो आपने अभी लिंक बनाया उसको क्लिक नहीं किया, उसका कलर रेड हो, और अगर आप उस लिंक को एक बार क्लिक कर चुके हो, विजिटेड लिंक है, तो उसका कलर येलो हो जाए। और अगर वो एक्टिव लिंक है, मतलब आपने उस पे कर्सर रखा हुआ है पर आपने क्लिक नहीं किया, तो उसका कलर पिंक हो। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। हाइपरलिंक का एक अलग ट्यूटोरियल होगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको ये समझा देती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, AHREF इक्वल टू किसी भी फाइल का लिंक। अब आपको यहाँ पे क्या लिंक करना है ना किसी एक पर्टिकुलर फाइल से, तो मैं क्या करती हूँ, कोई फाइल ले लेती हूँ, जैसे कोई भी फाइल जिससे मुझे लिंक करना है, HTML फाइल से हमारे पास। ओके, जैसे क्वेश्चन 1 वाली फाइल है, इसको हमने क्या करना है, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो, ओपन विद, तो यहाँ पे खुल गई। या ओके, तो इसके एड्रेस बार से हमने क्या किया, इसका एड्रेस कॉपी कर लिया, एड्रेस बार से एड्रेस कॉपी कर लिया, इसको कर दो बंद, इसको भी कर दो बंद, राइट। और इसको हमने कॉपी करके यहाँ लगा दिया अपने लिंक में। ओके, ये मैं आपको इसका एक अलग ट्यूटोरियल दूंगी। यहाँ पे मैं ये आपको हाइपरलिंक बना के सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक ये बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, लिंक, वी लिंक और ए लिंक। ओके, इनको शो करने के लिए मैं आपको हाइपरलिंक बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने हाइपरलिंक का टेक्स्ट दे दिया, लिंक टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, फाइन, और आपने हाइपरलिंक को कर दिया अपने क्लोज, राइट। अब आप जाओगे अपने HTML अपने पेज पर, और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो तो यहाँ पे हमारा आ गया लिंक टू नेक्स्ट पेज। इसको अगर आपने क्लिक किया तो ये क्या हो गया है, पिंक हो गया, मतलब एक्टिव लिंक है। अभी मैंने इसको सिर्फ क्या करके रखा हुआ है, प्रेस करके रखा हुआ है, राइट। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगी तो नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं, फाइन। ओके, नाउ लुक, बट अभी इसने रेड कलर नहीं शो किया, रेड कलर भी शो करना चाहिए था, लिंक का रेड कलर। इसने अभी विजिटेड लिंक का कलर शो कर दिया और उसका नहीं किया है। ठीक है, हम कोई और फाइल भी एक और लिंक बना के देखते हैं। ओके, समटाइम्स क्या होता है, ब्राउजर कुछ फीचर्स को सपोर्ट करता है, कुछ फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता, फिर भी कोई बात नहीं, एक लिंक और बना लेते हैं, AHREF। ठीक है, यहाँ पे हम किसी दूसरी फाइल का दे देते हैं एड्रेस, 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 किसी दूसरी फाइल का। ठीक है, अब मैंने दिया क्वेश्चन 5, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, मे बी यहाँ से इसका हमने एड्रेस कॉपी किया, Ctrl C। ठीक है, इसको कर दिया क्लोज, इसको भी कर दिया क्लोज, Ctrl V, राइट, फाइन, लिंक, और सिंपली हमने लिख दिया लिंक, और देन वी हैव टू क्लोज दिस। यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, जो लिंक नेक्स्ट लिंक है वो नेक्स्ट लाइन में है, राइट। फाइन, अब यहाँ पे हम जाएंगे अपनी फाइल के पास, हमारी फाइल ये है, देखो अब आया। इसमें रेड कलर हमने दिया था सिंपल लिंक के लिए। जब आप इसको एक्टिव लिंक बनाओगे, मींस उसके ऊपर क्लिक करोगे, ऐसे सिंपली क्लिक करोगे, तो वो क्या होता है आपका एक्टिव लिंक, ए लिंक।
और जब आप इसको विजिटिंग लिंक बना दोगे तभी येलो हो जाएगा। अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, फाइन, हम वो दूसरी फाइल पे आ गए हैं और हम दोबारा जाएंगे तो देखेंगे येलो कलर का हो गया, फाइन। तो हमने तीन कलर दिए थे कि लिंक का कलर क्या होगा, रेड, विजिटेड लिंक का होगा येलो और एक्टिव लिंक का होगा पिंक, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बॉडी टैग के सारे एट्रीब्यूट कर लिए, बॉडी बैकग्राउंड जिसमें आप पिक्चर्स दे सकते हो, वेब पेज के बैकग्राउंड में बॉडी बीजी कलर, आप कोई भी कलर स्पेसिफाई कर सकते हो, टेक्स्ट, टेक्स्ट से आप टेक्स्ट कलर दोगे, टॉप मार्जिन मतलब टॉप से कितना मार्जिन हो, विच यू विल गिव इन द नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स में देते हो आप। और मैंने आपको बता दिया कि 72 पिक्सल्स आर इक्वल टू 1 इंच, लेफ्ट मार्जिन, ओके, 200 पिक्सल हमने दिया, लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक एट्रीब्यूट। तो ये हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। और अब हम क्या करेंगे, ट्यूटोरियल वाइज वन बाय वन जितने भी टैग्स एचटीएमएल में यूज होते हैं उनको वन बाय वन करेंगे, फाइन।